गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर 9 अबाउट एनिमल्स, दिस इज कंप्लीटेड. सो टुडे वी आर डूइंग द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर ए. इन दिस एक्सरसाइज अ क्वेश्चन इज गिवन टू यू. आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक दिस एंड थ्री ऑप्शंस आर आल्सो गिवन. आपको आंसर दिए थ्री ऑप्शंस भी हैं, ए बी एंड सी. इस तरह से आपको क्या करना है, राइट आंसर्स को आपको चूज करना है. तो ये आप बुक में करेंगे, देन कॉपी में करेंगे. बुक में आपको राइट आंसर पे टिक लगाना है. फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड. जो लायंस होता है, लायंस होते हैं ना शेर, उनकी ग्रुप को क्या कहते हैं. आपके ऑप्शन है हर्ड, एच ई आर डी हर्ड बोलते हैं, पी आर आई डी ई प्राइड कहते हैं लायंस के ग्रुप को, या एस आई जो एयर शॉर कहते हैं, क्या कहते हैं. तो राइट आंसर इज प्राइड. इसीलिए मैंने राइट आंसर लिखा है इसमें पी आर आई डी ई प्राइड. आपको कॉपी में करना है, ऐसे पहले क्वेश्चन लिखना है फिर आपको ये आंसर लिखना है और बुक में आपको टिक लगाना है. ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया कि कॉपी में आपको इस तरह से करना है. अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड पी आर आई डी ई प्राइड. अब मैं आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं लिखूंगी ब्लॉक बोर्ड पे, आप बुक में करते जाइए और बाद में कॉपी में करना. सेकेंड है, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड आंट्स इज कॉल्ड. जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वेरी टिनी एनिमल्स. टिनी एनिमल्स यानी बहुत छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आंट, चींटी, मॉस्किटो, टर्माइट्स, ये सब बीज, ये सब क्या है, इंसेक्ट्स है. और इन इंसेक्ट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, पूछा है क्वेश्चन में. तो ए है आंसर में, कॉलोनी कहते हैं, शोल कहते हैं कि हर्ड कहते हैं. तो राइट आंसर सेकंड का होगा सी ओ एल ओ एन वाई, कॉलोनी. इंसेक्ट, द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड कॉलोनी. नाउ नंबर थर्ड इज द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड. मीन्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उन बालों को, चाहे वो बाल लॉन्ग हो, कर्ली हो, शॉर्ट हो, कैसे भी हो, बाल हेयर जो होते हैं बॉडी पे एनिमल्स की, उन हेयर्स को क्या कहते हैं. आंसर है आपके फर, क्लोथ की स्किन, क्या कहते हैं, एफ यू आर फर. ओके, नंबर फोर, एन एनिमल विद फैदर्स. फैदर्स वाला एनिमल कौन है, फिश है, बर्ड है कि ह्यूमन है. फैदर वाला एनिमल कौन है, बी आई आर डी बर्ड. बर्ड्स की बॉडी पे फैदर्स होते हैं. ओके, नंबर फाइव, एन एनिमल विद शेल्स. किसकी बॉडी पे शेल्स होते हैं, मंकी की बॉडी पे नो, एलिफेंट की बॉडी पे नो, फिश की बॉडी पे यस, एफ आई एस एच फिश. फिश हैव शेल्स ऑन देयर बॉडी. नाउ नंबर बी, एक्सरसाइज नंबर बी, बुक में कर दीजिएगा. मैं ओनली आंसर्स लिखूंगी जो फिलअप्स में आएंगे. इन अ बी हाइव, एक जो बी हाइव होता है जिसमें बीज रहती हैं, ऐसे ये बी हाइव है ना, छत्ता जिसको कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता. इन अ बी हाइव, उसको इंग्लिश में कहते हैं बी हाइव. बी हाइव में द डैश लेज एग. बी हाइव में हु लेज एग, कौन देता है एग्स. इन अ बी हाइव, बी हाइव में डैश लेज एग, एग कौन देता है. बी हाइव में जो बीज है वही तो एग देती है. क्वीन बी भी ले सकते हैं हम इसमें, क्वीन बी जो रानी बी होती है ना, क्वीन बी वो लेज एग, अंडे देती है. ओके, ये हो गया आपका नंबर वन. नंबर टू क्या है, डैश इज अ फ्रेंडली एनिमल. एक फ्रेंडली एनिमल का नाम लिखना है आपको, तो फ्रेंडली एनिमल लिखे डी ओ एल पी एच आई एन, डॉल्फिन. डॉल्फिन जो है वो फ्रेंडली एनिमल है. नाउ थ्री, थर्ड, द ईयर्स ऑफ डैश आर इन द फॉर्म ऑफ होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द हेड. किसके ईयर्स हैं, आपको बताना है किसके ईयर्स हैं. वो होल्स जैसे होते हैं, छोटे से छेद के रूप में होते हैं,
The group of insects is called colony. The hairs on the animal's body are called F-U-R, fur. Which animal have feathers? B-I-R-D, bird. And which animal have shells on their body? F-I-S-H, fish. Fill up screen. In a beehive, queen bee lays eggs. Friendly animal is dolphin. Who has ears in the form of holes? छेद जैसे ear किसके होते हैं? Birds. Which dog